फतवे की तो ऐसे की तैसे कैसे दे देगा कोई फतवा हाँ, आपको मारने तो का या ये, मुझे मारने का। ये अब इस ब्रेन वॉश को रिवर्स कैसे किया जाए? आप उस सोसाइटी से हैं, मुसलमानों का नेता कभी कोई नहीं रहा है, भगवान भी तो अल्लाह पाक ही है ना। आप चश्मे मत बदलिए कि मेरा मुस्लिम का नहीं, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है भगवान और अल्लाह का, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। नहीं, हम नहीं, अपने मुसलमान तो भाई भाई बहनों से बात कर रहे हैं उनकी कोई टेंशन कि हम अगर मस्जिद में सुंदर कांड करने जाए तो आप व्यवस्था करेंगे सारा जैसा कि हम करते हैं। क्या कभी आपने मुसलमानों को अप्रोच किया? बिल्कुल नहीं, मैं पहली बार आपको अप्रोच कर रहा हूँ। क्या किसी उलेमा ने या मौलाना ने अप्रोच किया कि भाई आप आके रामनवमी हमारे यहाँ मनाइए? मैं कह रही हूँ कि हमेशा खड़े तो रहे मुस्लिम अपने घर के बगल वाली मस्जिद में कब इन्वाइट कर रही है? मैं आ रहा हूँ सुंदर कांड पढ़ने आप के मेरे लिए। साथ अभी चलो नमाज पढ़ने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हिंदू भाई को तकलीफ क्यों? नहीं, नमाज नहीं। पढ़ने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, डेजिग्नेटेड प्लेस पे, डेजिग्नेटेड मैनर पे। मैं बोल रही हूँ आपको, अगर सवाल करते हैं तो वहाँ पे तो सर तन से जुदा का फतवा निकल जाता है तो डर। दोस्तों नमस्कार, आज आप मेरे साथ देख रही हैं शबनम मैम, जिनको पूरी दुनिया खान मैम के नाम से जानती है। इनकी डिबेट करने की दबंग स्टाइल, निर्भीक स्टाइल बड़ी प्रसिद्ध है। आज किसी कारणवश हमारे घर पे ये आई हुई थी, मिलके बड़ी प्रसन्नता हुई और हमारा सौभाग्य कि ये हमारे घर पे आई। और शबनम मैम जैसा इंसान अगर घर पे आए तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि बिना दो चार सवाल दागे हुए उनको जो है जाने दिया जाए बिना पूछे हुए। ये एक नेचुरल लालच सा बन जाता है। वैसे मोस्टली मैं लाइव वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन जब शबनम मैम जैसी शख्सियत हो तो दो चार छह क्वेश्चन होने ही चाहिए। तो स्वागत करिए शबनम मैम का और हम शुरू करते हैं। कुछ सवाल हम आपसे शबनम मैम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और मुस्लिम से रिलेटेड जितने भी मामले चलते हैं या जो भी चीज़ें हैं आप उसकी भी एक्सपर्ट हैं, कुरान वगैरह भी आपको हिफ्ज़ है, अच्छी नॉलेज रखती हैं, तो एक बहुत अच्छा आइडिया आप दे सकती हैं क्रिस्टल क्लियर कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाती है। एक चीज़ आप ये बताइए, आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, जैसा कि मेरा अपना पर्सनल वो नहीं है, मैं दो तीन समस्याएं मुस्लिम समुदाय से मैं जानना चाहता हूं कि उसके पीछे क्या कारण है। पहली चीज़, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और हमेशा ये प्रेजेंट करते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हमारे साथ वो अन्याय हो रहा है, उसके लिए सड़कों पे प्रदर्शन करना। इनका मतलब ये चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान बस केवल 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके, चाहे थाना हो चाहे जो भी हो। मतलब मुझे कहीं शांति दिखती नहीं है कि कोई चीज़ बात करके ये कर ले, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो या इवन बांग्लादेश की भी मैं बात करूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो मुस्लिमों की जो ये दशा है कि वाकई में क्या मुस्लिम एक दुर्दशा के बीच में फंस गया है या वो प्रिटेंड करते हैं? मुस्लिम समाज के अंदर की चीज़ मुझे बताइए, वो परेशान है, वो प्रिटेंड करते हैं, वो विकास में इतने पीछे क्यों है? वो खुद बोलते हैं कि हम पिछड़े हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो उसके पीछे क्या सामाजिक ताना बाना है? क्यों पीछे हैं या क्यों बहुत आगे हो गए? एक कौम जो कभी बादशाहत करती थी, जिनके बादशाहत थे, आज उनके लड़के लड़कियां जो है नाती पोते देखिए तो रिक्शा चला रहे हैं, चाय की दुकान कर रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, अंदर क्या है मुस्लिम समाज में, आप मुझे ये बताइए। देखिए, मुस्लिम समाज का एक वर्ग तो बेइंतहा गरीब है, जो एक वर्ग है कि अधिकांश वर्ग है, क्योंकि समस्या और प्रदर्शन तो अधिकांश वर्ग करते हैं। आप देखिए एक साल तक प्रदर्शन चला, आप सीधा ना मुसलमानों के शरीर की ठीकरा फोड़ देते हैं हर बात का। नहीं, मैं ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ, मैं आपसे अंदर की चीज पूछ रहा हूँ कि फैक्ट क्या है। अंदर का ही बता रही हूँ, मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दे रही हूँ, उसी में सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। आप कह रहे थे जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं मुस्लिम, क्यों करना शुरू कर देते हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? बताइए ना, इसीलिए तो क्या पूछ कभी रहे हैं। आपने जानने की कोशिश की है कि क्यों आप हर बात में ऐसा नहीं है? देश भर में जितने प्रदर्शन हो रहे होते हैं, मैं मिश्रा भाई साहब आपसे बोल रही हूँ, आप इसका वो भी पता लगाइएगा पूरा कि कितना प्रदर्शन हिंदू भाइयों ने किए और कितने प्रदर्शन मुस्लिम भाइयों ने किए, आप इसका पता लगाइएगा प्लीज। मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी प्रदर्शन होते हैं मुसलमानों के, पॉलिटिकल नहीं तो क्या कोई पॉलिटिकल नेता उनके पीछे होता है? सोशली आप कभी मुसलमानों को कहीं धरने प्रदर्शन पर बैठे नहीं देखेंगे। इतने आसानी से मुसलमान जो है किसी चैन में या जाल में फंस क्यों जाते हैं कि किसी भी नेता ने बोल दिया, अभी तो किसी भी मौलाना ने फतवा दे दिया, सब सड़क पे आ गए। तो क्या मुसलमानों के अंदर इंटेलेक्चुअल मुसलमानों की कमी है? नहीं, इंटेलेक्चुअल मुसलमान जिसने जो बोला कौवा कान ले गया तो ले गया जी,
कौवा कान तो इसलिए ले जाता है ना कि आपके जैसे जो उनको सिखाने वाले हैं, जो मैं नहीं सिखाता किसी को, जो ये आज एक सोशल प्लेटफॉर्म हर एक के हाथ में है, आप कुछ भी कह देंगे जनता आपको सुन रही है, जनता उससे भड़क भी जाती है। मुस्लिम की बात नहीं है, कोई भी भड़क जाता है। एक छोटा सा देखा वीडियो और भड़क गए। मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा मुसलमानों का मिसयूज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, इसमें भी कोई राय नहीं है। आप इस्तेमाल होते क्यों है, मैं मुसलमान समुदाय से ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मैं हिंदू भाइयों से पूछना चाहती हूँ, आप भी क्यों इस्तेमाल होते, इतने जल्दी क्यों इस्तेमाल? हिंदू भाई भी तो इस्तेमाल हो रहे हैं। कहाँ देखिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी पूरा उनका इस्तेमाल कर रही है? मैं आपको बताऊँ, केवल एक दो मुद्दों को छोड़ के, राम मंदिर मुद्दे को छोड़ दिया जाए, नहीं मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, राम मंदिर के प्रदर्शन के मुद्दे को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कभी नहीं है कि सड़क घेर करके। अब यहाँ तो देखिए, हर जुमे पे आप इंडिया में चले जाइए, हर शहर पे सड़क पे नमाज होती है। आप जो नमाज के पीछे पड़े हुए हैं ना कि सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये आप एक चीज समझिए, सड़क पे नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, एक छोटे से कमरे में भी पढ़ी तो पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर सब एकजुट होकर एक साथ होकर पढ़ रहे हैं, तो अगर सरकारों ने छूट दे रखी थी, अगर सरकार का कोई नियम होता कि आप नहीं पढ़ सकते, तो नहीं पढ़ा करते। नहीं, सऊदी अरेबिया में ये नियम है, सऊदी अरब में ये नियम है, आप नहीं पढ़ सकते। मैं अपने भारत की बात करूंगी, मुझे सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं, ना मैं वहां रहती, ना मैं उसके। अब एक चीज ये बताइए, अगर सरकार नियम बना दे तो वहाँ लोकतंत्र और अल्पसंख्यक संख्यक का अधिकार खतरे में आ जाता है। मैं बोलता हूँ सरकार यही नियम बना दे कि सड़क में नमाज नहीं होगी, फिर विरोध शुरू हो जाएगा। आप विरोध से डरने वाले हैं क्या? नहीं, हम विरोध से डरने वाले नहीं है। देखिए, हम डरने वाले नहीं, मेरा मूलभूत सवाल ये है कि हर बात को लेके इतना एग्रेशन, कहीं टॉलरेंस नहीं जी, हम तो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, इतनी जिद क्यों? कौन इनको बहका देता है? कोई जिद नहीं है, अगर आप उनसे प्रेम से बैठाकर एक बार देखिए, चर्चा इसलिए है क्योंकि एक गया नमाज पढ़ने, वो पहले से पढ़ते आ रहे थे, फिर आप पहुंच गए कि तू नहीं पढ़ेगा, ये झगड़ा है। पहले से भी अगर नमाज पढ़ रहे थे तो आप पार्क में पढ़ लीजिए, ईदगाह बनी रहती है, मैं आपको मॉस्क बने रहते हैं, ईदगाह बनी है ना, जहाँ कोई नहीं, अब देखिए, अब हर कर रहा है, हर गली में तो ईदगाह होगा नहीं। मैं आपको क्या बोलूं, तो हर जगह एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है, छोटी मोटी मस्जिद मदार होती है, यही तो बता रही हूँ, पढ़ लीजिए। अरे भाई, वो तो पढ़ने चला जाएगा, आपने एक बार बैठा कर किसी से चर्चा की, बिना बिठाए आप लड़ाना चाहते हैं, ये भी तो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है। जब नहीं नमाज पढ़ रहा, पहले भी मुसलमान नमाज पढ़ता था, बरसों से मुसलमान नमाज पढ़ता था, मैंने एक हिंदू भाई को तकलीफ नहीं, नमाज पढ़ने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हिंदू भाई को तकलीफ क्यों? नहीं, नमाज पढ़ने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, डेजिग्नेटेड प्लेस पे, डेजिग्नेटेड मैनर पे। मैं बोल रही हूँ आपको, ट्रैफिक को रोक के बीच चौराहे, मैं आपको बोल रही हूँ, पहले भी वो ट्रैफिक जैम होता था, पहले भी क्यों होता था, वो भी तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि पहले भी मेरा हिंदू भाई वहीं से निकलते थे और इतना सम्मान करते थे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमने किसी हिंदू भाई को ये बोला रोजा रखा है, तो बल्कि इफ्तार पार्टी का भी इंतजाम करें वो कि बहन जी बैठिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, इफ्तार पार्टी तो हिंदू बहुत करते रहे, इंतजाम ये पूछ रही हूँ, नौ दुर्गे का कितना इंतजाम हमने किया? कभी आप इकलौती हैं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर धर्म के ऐसे इक्के दुक्के मिलते हैं। नहीं नहीं मिश्रा भाई सर, कितने मस्जिदों में दुर्गा पूजा या हनुमान जयंती मनाई गई, इसका मस्जिद में नहीं मनाई गई, तो इसका आपको तैयारी करनी चाहिए। अरे तो आप लोग इनिशिएटिव लीजिए ना। ओहो, आप हमें कब इनवाइट कर रही हैं, आप बताइए, अपने घर के बगल वाली मस्जिद में कब इनवाइट कर रही हैं? मैं आ रहा हूँ सुंदरकांड पढ़ने के लिए, मेरे साथ अभी चलिए। आप जिम्मेदारी लेंगी बिल्कुल हर चीज की, बिल्कुल सुरक्षा की कोई वो नहीं होगा, व्यवस्था करेंगी, लाउड स्पीकर अमित शाह जी रामायण, नहीं हम आपकी बात कर रहे हैं, हम अपने मुसलमान भाई भाई बहनों से बात कर रहे हैं की कोई टेंशन की, हम अगर मस्जिद में सुंदरकांड करने जाए तो आप व्यवस्था करेंगे सारा जैसा कि हम करते हैं? क्या कभी आपने मुसलमानों को अप्रोच किया? बिल्कुल नहीं, मैं पहली बार आपको अप्रोच कर रहा हूँ, तो आप बताइए ना, अब आप मौके से मिले हैं, तो मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रही हूँ, आइए पढ़िए। तो आप मुझे शेड्यूल बताइए, कौन से मस्जिद में चल के सुंदरकांड करना है? जो मेरे घर के पास वाली बोल रहे हैं आप वहीं, आप वहाँ मैनेज करिए, आप मैनेज करिए वहाँ पे, हम वहाँ पे चलते हैं। आपने क्या मुसलमानों से कभी बात की कि क्या हम आए आपकी मस्जिद में? नहीं, आज आप मिली हैं तो इसीलिए मैं सारी प्रॉब्लम पे बात करूंगा। मेरा मिलना छोड़िए,
आप शिकायत मुसलमानों से कर रहे हैं जो मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते हैं, जो सड़कों मैं पे आपको नमाज यहाँ पे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव मान के ही बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी मुसलमान के बहुत बड़े उलेमा से बात करूंगा तभी वो जाकर के वो बात हो। आप भी तो मुसलमान है। ऐसे तो मैं भारतीय हूँ लेकिन क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ तो मैं आपको, मैं आप भी तो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ क्या आपने यही क्वेश्चन कभी मुसलमानों से किया कि मैं तुम्हारी मस्जिद में आ रहा हूँ? कहा आपने उनको कभी? नहीं, कई लोगों ने कहा लेकिन वो वहां पे ये होता है कि नहीं, भाई नहीं, ये अलाउड नहीं है। आप मुझे ये मैं अच्छा, इसी का आपने कहा मैं आ रहा हूँ, इसी का उल्टा करके देखिए। आपने कहा मैं आ रहा हूँ, आपने मुझे पहली, आप कह रहे हैं पहली बार मैं तो आपको मुस्लिम का, इसी का उल्टा करके देखिए। आप मुझे कह रहे हैं कि शबनम जी मैं तो आपकी, क्या किसी उलेमा ने या मौलाना ने अप्रोच किया कि भाई आप आके रामनवमी हमारे यहाँ मनाइए? मैं कह रही हूँ कि हमेशा खड़े तो रहे मुस्लिम साथ में, अगर मस्जिद में नहीं गए हैं आप अभी तक तो ये आपको सोचना चाहिए आप क्यों नहीं गए। आपने उनसे, उलेमाओं से फटाफट सवाल क्यों नहीं किया कि आप हमारे यहाँ इस मंच पे अगर सम्मान पा रहे हैं, हम आपके मंच पे सम्मान पाना चाहते हैं, बताइए हम कब आए? अगर सवाल करते हैं तो वहां पे तो सर तन से जुदा का फतवा निकल जाता है, तो डर के मारे कौन सवाल करे? कौन? इसीलिए हम आपको मीडिएटर बना रहे हैं कि आप उनके ऊपर प्रेशर बनाइए। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं तो लड़की हूँ, अकेली हूँ, हाँ फिर भी मैंने डरती हूँ किसी फतवे से। उसके पीछे कारण आप इतने सारे फिर नहीं, भी उसके, फिर उसके, भी डर उसके, रहे हो? उसके पीछे कारण है, बात डरने की नहीं है। आपकी जो बहादुरी है लोहे को लोहा काटता है, फतवे की तो ऐसे की तैसे कैसे दे देगा कोई फतवा आपको मारने का या मुझे मारने का? फतवे की तो ऐसे की तैसे कैसे दे देगा कोई फतवा आपको मारने का या मुझे मारने का? ये आपकी बहादुरी है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक की जो जगह है मस्जिद, अल्लाह पाक की जगह है ना, नमाज पढ़ने जाते हैं, भगवान भी तो अल्लाह पाक ही है ना। आप चश्मे मत बदलिए कि मेरा मुस्लिम का लग गया, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग अलग, भगवान और अल्लाह का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। नहीं, भगवान भी तो अल्लाह पाक ही है ना। आप चश्मे मत बदलिए कि मेरा मुस्लिम का लग गया, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग अलग, भगवान और अल्लाह का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। नहीं नहीं, मेरी जगह में अगर कोई भगवान का नाम लेता है आकर तो मेरे लिए उतना ही श्रद्धा पूर्वक है जितना मेरे अल्लाह। ठीक है, जनरली मैं मान सकता हूँ आपके इस अप्रोच को, जनरली मैं मान सकता हूँ। देखिए, अगर वो उसमें फंसे हुए हैं तो आप निकालने का काम नहीं करेंगे कभी उस दिमाग से उनको, मतलब आप ये कोशिश भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने उनका दिमाग कैप्चर करके मुल्लाओं ने ये सिखाया कि देखिए मस्जिद में आपको हिंदू पैर नहीं रख सकता, अच्छा, तो क्या आप पर हम बदलाव नहीं ला सकते? बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं, और मिश्रा और शबनम खान मिलकर बदलाव ला सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी है और आप जवाब भी दे रही हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो प्रॉब्लम में मुस्लिम लोग फंसे हैं या पर्टिकुलर कोई, उसका सलूशन क्या है? आप मुझे ये बताइए, अगर आप ये मानते हैं कि भाई मुसलमानों का, चलिए ठीक है, शिक्षा नहीं मिली, दिन सबके एक समान नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको आप बड़े इजी वे में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। मैं ब्रेन वॉश तो हिंदू भाइयों का बीजेपी ने 2 सेकंड में कर दिया, हाँ, उनको तो फिर भी बरसों से वो वही मौलाना वही पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे जो देखिए क्या है, जो अल्पसंख्यक है हम उनके भलाई के लिए आपसे बात कर रहे हैं। पहले यहाँ पे ये है कि अगर उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, चाहे एक दिन में हो चाहे 100 साल में हुआ हो, उसके पीछे कारण चाहे जो रहा हो, चाहे राजशाही रही हो, राजाओं ने किया, मुल्लाओं ने, मौलवियों ने किया, अब इस ब्रेन वॉश को रिवर्स कैसे किया जाए? आप उस सोसाइटी से हैं, आप प्रॉब्लम को समझती है, कौन ब्रेन वॉश करता है, उनको बाहर कैसे निकाला जाए? और अगर हम इंडिया के बाहर जाएं, हालांकि इंडिया में ऐसी घटनाएं नहीं हुई या रेयर हुई हैं, जहां पे सुसाइड बॉम्बर तैयार करते हैं मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करके, तो इस प्रॉब्लम से सलूशन, इसका सलूशन क्या हो सकता है? देखिए, ये तो आप पाकिस्तान की तरफ लेकर जा रहे हैं, कहीं पे भी हो, हम बात एक कौम की कर रहे हैं कि क्यों ऐसा कर दिया जाता है, वही पनपता है ना। तो पाकिस्तान नहीं, आतंकवाद नहीं, ये जो ब्रेन वॉश किया जाता है, पाकिस्तान ही है उसका एक ब्रेन वॉश। नहीं, इंडिया में भी देखिए, उस लेवल पे भले हो या ना हो वो डिफरेंट चीज है, लेकिन छोटे मोटे लेवल पे और भी बहुत सारे तरीकों से ब्रेन वॉश किया, जो मुस्लिम मुस्लिम समाज का मेन प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इसका सलूशन क्या हो? सिर्फ मुस्लिमों को ही दोष देते थे कि मुसलमानों का ही ब्रेन वॉश, आज तो हिंदू भाइयों का भी ब्रेन वॉश हो रहा है, वो अलग इशू है। चलिए, आप कह रहे हैं उन्हें उससे निकाला कैसे जाए? निकाला ऐसे जाएगा जो अभी आपने और मैंने बैठकर बात की, जो आप और हम दोनों बहन भाई बात कर रहे हैं कि एक तो हम बहन भाई हैं, ये कभी मत भूलिए कि हम सब एक ही परिवार हैं, हिंदुस्तान हमारा घर है और हमारा एक ही परिवार है। जाति धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब लोग इसी देश में जन्मे हैं, इसी के लिए जिएंगे, इसी के लिए मरेंगे। और दूसरी बात आप कह रहे हैं मुसलमानों का दिमाग से कैसे निकाला जाए, चर्चा, ये वाली चर्चा,
ये चर्चा नहीं, चर्चा नहीं। कौन करेगा? देखिए अरे जैसे अभी आप पर मैं इनिशिएटिव ले तो रहे, हम आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं आपको मानता हूँ, आपकी बात को मानता हूँ कि शबनम जी मैं कब आऊँ, लेकिन मैंने आपका स्वागत किया, सो नाइस ऑफ यू, नहीं मैंने आपका स्वागत किया कि नहीं किया, मस्जिद के लिए भी मैंने आपका स्वागत किया कि आइए भाई चल के एक नई दिशा तय करते हैं, नई दशा दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम भाइयों को कि अगर हिंदू भाई मुझे मंदिर में टीका लगाकर ऐसे प्यार से सम्मान दे सकते हैं, मैं भी मस्जिद में बुलाकर आपको ऐसे ही सम्मान के साथ, नहीं, आप इधर ये पढ़िएगा, मैं इधर कुरान शरीफ पढ़ूंगा, यही तो हमारा देश है। मैं आपको एक, नहीं ये बदलाव नहीं, ये नहीं, आपकी बात सही है, ये बदलाव लाने के लिए कोई तो उठेगा, मैं आपको एक कोई तो शुरुआत करेगा। बताता हूँ, हम जहाँ रहते थे बगल में एक हनुमान मंदिर था, वहाँ लगा भंडारा मेन रोड पे जी, और भंडारा लगा तो मेरे लिए एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। एक दंपत्ति जो कि मुसलमान थे, हस्बैंड से तो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी बेगम जो थी वो बुर्का पहने थी, उन्होंने स्कूटर लगाया और जा करके वो ले आए। हम तो एक बार प्रसाद लेके खा रहे थे, उन्होंने दो तीन बार प्रसाद लिया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा आप मुसलमान हो के ये हिंदुओं का चल रहा है, आप यहाँ पे खा लेते हैं? उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया था, बोला भाई रोटी पे किसी धर्म का नाम नहीं लगा है, मुझे भूख लगी हुई थी और मैं खा रहा हूँ। और गजब की बात ये है, वहां उनसे किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आप क्यों ले रहे हैं, कहाँ के हैं, हम आपको देंगे कि नहीं देंगे। मैम एक चीज ये नहीं, आप ओवैसी जी को कह रहे थे हाँ, ना ओवैसी जी। अरे कोई मैं खड़े होकर कहने लगूं कि मैं सिखों की नेता हूँ, मैं मिश्राओं की नेता हूँ, तो क्या मैं बन जाऊंगी? नहीं तो जी मैम बताइए, आप कुछ बता नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि क्या ओवैसी अगर कुछ भी बात बोल देंगे तो आप उसे सीधा मुस्लिमों ने बोला है बोल देंगे? नहीं, परसेप्शन तो पब्लिक में यही बनता है, ओवैसी जी बोल रहे हैं और हजारों लोग क्या बोल रहे हैं, आपने फिर ये हमारे नेता हैं। आपने जैसे आप सर्वे करवाते घूमते हैं चैनल्स कि देखिए फलां जीत रहे हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ है। मैं आपको ये बोल रही हूँ, क्या फिर 100 मुसलमानों से आपने सर्वे किया कि जो ओवैसी ने बोला है वो आप मानते हैं कि नहीं मानते? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, मैं जितने मुसलमानों से जमीन पर बात करती हूँ सब लोग बोलते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो दो रोटी गुजारा कर ले। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि सरकार, अगर बीजेपी भी चाहे कि मुसलमान लोगों का भला हो, हम भी चाहे, दूसरी कम्युनिटी चाहे, तो हम किससे कांटेक्ट करें, कौन आपका लीडर है? ये भ्रम जो बना हुआ है, जब तक आप लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे, हम क्यों डिसाइड करेंगे? एक सेंटर डिस्कशन पॉइंट कौन है, पर्सन कौन है? अब ऐसा तो है नहीं कि 20 करोड़ मुसलमानों से जाके हर आदमी से सर्वे किया जाएगा, हर एरिया में तो 25,000 लोगों का सर्वे करके आए, 50,000 लोगों का सर्वे करके आए, 10 मुसलमानों से आपसे बात नहीं होती है जाकर? नहीं तो 10 मुसलमानों से, तो 10 मुसलमानों से ओपिनियन भी नहीं बनता है मुस्लिम वर्ल्ड का, जाकर जाकर करिए ना। अरे दो ये इनिशिएटिव आप लोग क्यों नहीं लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ का जो ये संसाधन जुटा दीजिए, मैं आपको ये सेंटर, एक ये मुसलमानों का सेंटर पॉइंट है, ओपन डिस्कशन, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन के लिए जिसको भी आना है वो यहाँ आए, हम समस्याओं पे बात करें। आज तक मुसलमानों का सेंटर पॉइंट कौन थे? ये उलेमा जो आप देखते हैं कि मदनी हो गए और एक दो और हैं, या फिर झूठे? नहीं, इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम मदनी से बात करें, देवबंदी से तो बरेलवी नाराज, बरेलवी से बात करें तो वो फिरका नाराज, विरोध, ये सारी चीजों को संभाल करके एक जगह पे सेंटर पॉइंट ऐसा कहाँ पे है? आप लोगों ने क्यों नहीं डेवलप किया? नहीं, आपका सेंटर पॉइंट कौन है? नहीं, हमारा सेंटर पॉइंट ये है कि एक बेसिक सिद्धांत है, उसके बेसिस पे आप केवल एक मैसेज दे दीजिए, लोगों को सही लगेगा, वो आपके साथ आ जाएंगे। तो ऐसे सपा बसपा भाजपा सब यही कर रहे हैं, आप सारे सब जो नेतागिरी झाड़ते हैं मुसलमानों के नाम पर, आप उनको बताइए कि मुसलमानों के हेड नहीं है आप। मैं तो हमेशा अपोज करती हूँ, मैं तो बोलती हूँ उनको कि भाई आप मुझे एक चीज बताइए कि जो मैं मुसलमानों से बात करती हूँ, जब मैं घर घर जाकर पूछती हूँ, जितना मेरा उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है या दिल्ली में वर्चस्व है, मैं पूछती हूँ कि बताइए, तो वो कहते हैं मैम जी दो रोटी कमा के खा लें, आराम से पढ़ा लें बच्चों को, इससे ज्यादा हमारे को क्या चाहिए, मंदिर बना हम खुश हैं। मतलब मुझे बताने वाले ऐसा बताते हैं, उन्हें बताने वाला कौन है फिर जो वो खड़े होकर कुछ भी बोल देते? एक बड़ा तीखा सवाल है, कई मुसलमान जो नेता हैं या कॉमन आदमी भी बोलते हैं हम कभी बादशाह थे, और ये घटना मेरे साथ भी हुई। ओवैसी जी तो बोल रहे हैं और उनको भीड़ फॉलो कर रही है। भीड़ तो देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? तो जो मोदी जी कहते हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उसकी जिंदाबाद लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो क्या वो सब मुसलमानों के नेता बन गए? अच्छा, एक तीखा सवाल, एक तीखा नहीं, नहीं तीखे तो कितने भी करिए, पर मेरे को इसका मुस्लिम नेताओं का जवाब देने दीजिए। मुसलमानों का नेता कभी कोई नहीं रहा है। नहीं, आप इसको विडंबना मानती है, दुर्भाग्य मानती है कि सौभाग्य मानती है?
नहीं, दुर्भाग्य है कि हमें तो कोई चलाने वाला था ही नहीं, हमें जिसने चाहा, मुसलमान को जिसने चाहा अपने हिसाब से चलाया है, और आज भी मुसलमान उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। मैं इसीलिए अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहती हूँ, आम मुस्लिम कम्युनिटी को तो किसी बात से मतलब ही नहीं है, 2 जून रोटी कमाए, 2 जून, ये कितने लोग देखते हैं आप? सब पॉलिटिकली लोग तो देखते हैं आप, जो कुछ भी कह देते हैं। अभी कोई मुसलमानों की बात ओवैसी जी बोल दें तो आप क्या सिर्फ ओवैसी के वचन मानते हैं उन्हें? किसके मानते हैं? अच्छा, नहीं, किसकी बात मानते हैं आप? अगर कोई ओवैसी जैसे नेता खड़े होकर कुछ कह देते हैं मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के पक्ष में कोई बात, तो आप तो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का ही पक्ष मान लेते हैं ना उसे। जो मैं मुसलमानों से बात करती हूँ, जब मैं घर घर जाकर पूछती हूँ, जितना मेरा उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है या दिल्ली में वर्चस्व है, मैं पूछती हूँ कि बताइए, तो वो कहते हैं मैम जी 2 रोटी कमा के खा ले, आराम से पढ़ा ले बच्चों को, इससे ज्यादा हमारे को क्या चाहिए, मंदिर बना हम खुश हैं। मतलब मुझे बताने वाले ऐसा बताते, उन्हें बताने वाला कौन है फिर जो जो वो खड़े होकर कुछ भी बोल देते। एक बड़ा तीखा सवाल है, कई मुसलमान जो नेता हैं या कॉमन आदमी भी बोलते हैं हम कभी बादशाह थे, और ये घटना मेरे साथ भी हुई है, मैं उसको बताऊंगा कि एक झगड़ा हुआ ऑटो वाले से, और इत्तफाकन वो मुसलमान थे 10 रुपए के लिए, तो उनके शब्द ये थे कि 52 देशों में हमारी बादशाहत चलती है। आई वॉज शॉक्ड। मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग कभी बादशाह थे आज वो मजलूमों की तरह जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो आपको मुस्तकबिल यानी फ्यूचर क्या दिखाई देता है? आपको क्या लगता है 25 साल 50 साल के बाद क्या मुसलमान अपने कदम ताल दूसरे लोगों के साथ मिलाकर के डेवलपमेंट में उतना ही कंट्रीब्यूशन करेगा कि अभी भी वो उसी चंगुल में फंसे रहेंगे और नकियान सुनी विचार मुगलई सल्तनत काल में जीते रहेंगे कि हम बादशाह हैं? नहीं नहीं, मुस्लिमों का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट नजर आता है। मुझे लगता है कि आज का मुसलमान बहुत बदल रहा है, आज के मुसलमान में काफी चेंज आ रहा है। और मुसलमानों पर ये टैग लगाना कि आप सारे देशद्रोही हैं या आप सारे खराब ही हैं या सारे अपराधी ही हैं, बेहद गलत बात है। अपराधी भी हर एक जाति धर्म में होते हैं, और इस तरीके की ये जो बादशाह वाले आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, वो तो चले गए कब के। नहीं, बात इस हकीकत को मुसलमान कौम समझ नहीं रही है ना। नहीं, नहीं, समझ। अगर आप इंडिविजुअली टीवी पे या डिबेट में बोलने के लिए दूसरी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा है कि भाई हम कभी बादशाह थे और हम आज भी बादशाह हैं। ऐसे तो हिंदू भाई भी बोलते हैं, हम महाराजा, हमारे यहाँ पर राज रहा है, वो दिक्कत नहीं है। वो तो इक्का दुक्का कोई ना कोई हर जाति धर्म के लोग उठ कर कोई राजा बताने लगता है, कोई बादशाह बताने लगता है। सारी चीजों से परे होके जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि हाई लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, टॉप लेवल पे कंट्रीब्यूशन। देखिए, परसेप्शन भी बना है दुनिया में या भारत में, तो इसीलिए बना है। मेरे बारे में क्या परसेप्शन बना है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे ऊपर कोई आरोप लगाए, अगर मेरे ऊपर कोई देशद्रोही या गलत आरोप लगाएगा तो उसका इमीडिएट काउंटर मैं करूंगा, उसका जवाब मैं दूंगा। मुसलमान कम्युनिटी क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रही है, और ये एक्टिव वे में टॉप लेवल पे कंट्रीब्यूशन करने की कंडीशन में कब पहुंचेंगे? पहुंचेंगे भी कि मेंटल ब्लॉकेज के कारण वो ऐसे ही रहेगा? नहीं, मेंटल ब्लॉकेज भी नहीं है, और मुस्लिम सारे देशभक्त भी हैं। आप उनसे, अभी आपने क्या कहा कि अगर वो ऐसी कुछ बोलेगा तो मैं उससे परसेप्शन लगाऊंगा कि मुसलमान ने क्या बोला। जी, आप कुछ बोलना चाहती थी? नहीं, मैं सॉल्यूशन ये बोल रही हूँ कि जो हमारा प्रेम प्यार है, वो कोई पार्टी अगर तोड़ना चाहती है या मुल्ला कोई तोड़ना चाहता है या कोई और इस तरीके का व्यक्ति बीच में हस्तक्षेप करता है, जहां आपके मेरे प्रेम प्यार को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, हम सबको मिलके मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं मुसलमान कम्युनिटी से बोलती हूँ ये, अगर कोई गलत कर रहा है, मुसलमान पक्ष में खड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आवाज बुलंद करिए। ये मुल्लाओं के प्रपंच में मत फंसिए जो कहते हैं नहीं नहीं आपको तो धर्म से निकाल दिया जाएगा, आप तो मुसलमान ही नहीं रहेंगे। हमें अल्लाह पाक ने पैदा किया है, हम सिर्फ अल्लाह पाक को ही जवाब दे हैं, हमारे बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। मेरे अच्छे बुरे का जवाब भगवान मेरे से खुद ले लेगा, खुदा मेरे से खुद ले लेगा, किसी मीडिएटर को मत चुनिए, सीधा संवाद लगाइए अल्लाह पाक से। आपने बहुत सटीक जवाब दिए, और मेरे ख्याल से जो सोल्यूशंस हो सकते हैं इससे बेहतर सोल्यूशंस नहीं हो सकते हैं, और मैं प्रभु से कामना करूंगा कि जो है एटलीस्ट अगर हर शहर में एक शबनम खान पैदा हो जाए ना, तो पहले सीरत बदल जाएगी, और सीरत बदलते ही सूरत बदलने में देर नहीं लगेगी, तो सीरत और सूरत दोनों बदल जाएगी। और मैं, मेरी शुभकामना है, प्रभु से कामना है, आप इसी तरीके से काम करते रहिए, और एक शबनम खान की जगह आप कोशिश ये करिए कि हर शहर में
एक आपका रिप्लिका पैदा हो, दूसरी शबनम खान पैदा हो, हर शहर में एक शबनम खान पैदा हो, मुझे लगता है कि यही बेस्ट सलूशन होगा। जो आपके थॉट है वो थॉट फैलने चाहिए, भविष्य में आप देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी आपको एक अलग नए अच्छे रूप में नजर आएगी। अच्छे ही थे, अच्छे ही हैं और बहुत अच्छे नजर आएंगे। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरे अनुरोध पे जो एक घंटे का ये डिबेट किया, अपना इंटरव्यू दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपका शुक्रिया, आपने सम्मान दिया, प्यार दिया और डिबेट भी की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।